Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. अनअकैडमी आपके लेकर आ गया है बहुत ही स्पेशल वाले बैचेस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वर्किंग है। हाँ जी, तो पहली बार अनअकैडमी ने ऐसा जो है वो बैच आपके लिए क्रिएट किया है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है, वीकेंड स्पेशल बैच रहेंगे जो कि वीकेंड्स पर जिनकी क्लास लगेगी। अप्रैल 9 से ये बैच शुरू हो चुके हैं। वोदनाला सर, निहारिका मैम और अश्विनी सर जो है वो इसके अंदर क्लासेस लेने वाले हैं। एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की आपका प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। इस क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास की जो खासियत यही है कि इसकी क्लासेस सिर्फ वीकेंड्स पे लगेंगे, तो अगर आप बाकी पूरा वीक में वर्किंग है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो रही है। आप लाइव क्लास कीजिए वीकेंड्स के ऊपर और इजीली अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप बनाए रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला ये बैच जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अपने घरों में बिजी हैं, चाहे आप अपने ऑफिस वर्क में बिजी हैं, तो वीकेंड में 2 दिन तो आप इजीली जो है वो निकाल ही सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मुझे ये लगा कंसेप्ट। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीकेंड बैचेस जो हैं वो प्लस का कोर्स के अंदर आ जाते हैं, तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी बैच अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं SHAFALINTA शिफाली NTA। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो माय NTA UGC नेट कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि NTA की तरफ से अभी तक जो हमें डेट्स मिली हैं एग्ज़ाम को लेकर, कि जून के अंदर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उस डेट पर कितने चांसेस हैं कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्या ये डेट्स बिल्कुल हमारी सिचुएशन को देखते हुए इस टाइम पर जो सिचुएशन है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं या वो सिर्फ एक धोखा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर जून के फर्स्ट हाफ के अंदर ही, दैट मीन्स फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके 2 महीने पहले से फॉर्म भरे होने चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी ये डेट बताई थी कि हमें 1 महीने का टाइम मिलता है अपने फॉर्म्स को फिल करने के लिए। अब 18th of April अभी हो चुकी है, अप्रैल ऑलमोस्ट जा चुका है, 10 डेज बचे हैं। मान लीजिए अभी भी हमारे फॉर्म्स जो हैं वो डेट निकल जाती है 20 तक, ठीक है, आज या कल में 2 दिनों के अंदर डेट्स निकल भी जाते हैं फॉर्म के लिए, तो उसके अंदर हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा। दैट मीन्स 18th से 20th मई तक हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे। फिर बाद में बचेगा टाइम सिर्फ 10 दिन का, जिसके अंदर उन्होंने अपने करेक्शन विंडो भी ओपन करनी है NTA ने 1 हफ्ते के लिए, और करेक्शन विंडो बंद होने के बाद क्या 3 से 4 दिन में एडमिट कार्ड भी अलॉट हो जाएंगे और हमें अपने जो है सेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे, ऐसा जो है वो बिल्कुल भी चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ऐसा कुछ हो जाएगा उस टाइम के अंदर। क्योंकि हमेशा से एडमिट कार्ड के लिए और इस तरीके से हमें सेंटर्स अलॉट करने के लिए हमें जो है प्रॉपर जो टाइम NTA ने अभी तक लिया है अपनी हिस्ट्री पर बेस्ड बात करें तो 15 से 20 दिन का टाइम ज़रूर लिया है। तो ये 2-3 दिन में कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए इस बार फॉर्म फिल करने के थोड़े दिन भी कम कर दिए जाएं, 1 महीना ना किया जाए, 20 दिन भी कर दिए जाएं, 10 दिन भी कम कर दिए जाएं, फिर भी ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि जून के फर्स्ट या सेकेंड हाफ, फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो, क्यों इसे मैं धोखा बोल रही हूँ, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बड़ी सिटीज़ के अंदर, कई देशों के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है कोरोना का भी, कह रहे हैं कि 4th लहर आ चुकी है। अब इंडिया के अंदर भी चांसेस शुरू हो चुके हैं और ये रिसर्च भी की जा रही है कि जून के अंदर कोरोना के केसेस टॉप पर होंगे, फिर दोबारा से जो है कोरोना दस्तक देगा इंडिया के अंदर और फिर वही रूल्स सारे चलेंगे। तो क्या NTA इस टाइम पर ये सोच रहा है कि जून तक तो वैसे भी कोरोना आ जाएगा, तो उनके पास प्रॉपर एक मार्जिन मिल जाएगा कि टाइम है, उनके पास टाइम मिल जाएगा उनको अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम करवाने का, इसलिए उन्होंने जून की डेट्स हमें डायरेक्टली दे दी है 2 महीने पहले, और अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की कोई अपडेट नहीं है अभी भी वेबसाइट के ऊपर। और अगर अपडेट आ भी जाती है, आज भी आ जाती है, कल भी आ जाती है, फिर भी
आपका जून के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये एक तरह से एंटी स्टूडेंट्स के लिए मैं तो कहूँगी कि लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। नहीं हो सकता है अभी एग्ज़ाम जो हमें सिचुएशन दिख रही है, बट इसे कैसे एंटी मैनेज करता है और अगर कोरोना केसेस दोबारा बढ़ जाते हैं तो फिर हमारा एग्ज़ाम 1-1.5-2 महीने के अंदर कंडक्ट होगा दोबारा जाकर, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो होप सो मैं अभी यही आशा करूँगी कि यूजीसी नेट कैंडिडेट्स को और प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, जल्दी से फॉर्म्स निकलें, जल्दी से फॉर्म्स फिल हों और हम अपने इस मर्ज्ड साइकिल को, अभी भी मर्ज्ड कर दिया जा रहा है इसे, ये भी एक नाइंसाफ़ी होगी अगर इसका परसेंटेज जो है रिजल्ट परसेंटेज एनटीए ने ना बढ़ाया तो इस मर्ज्ड साइकिल को हम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि दिसंबर 2021 का और जून 2022 का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर कहीं हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो यही आशा के साथ, इसी होप के साथ मैं आज की वीडियो एंड कर रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या एग्ज़ाम जून के फर्स्ट हाफ के अंदर, जैसे कि UGC के चेयरमैन के थ्रू बोला गया है, क्या ये हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर। जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट आपको मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।